हेलो एवरीवन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट आवर प्रडिक्शंस फॉर दिस ईयर्स पेपर जो कि आपका सिक्सटीन ऑफ जून को हुआ व्हाट वी प्रडिक्टड इन आवर कोर्स इन आवर लेक्चर्स थ्रू आउट द वीडियो ये हम लोग विथ प्रूफ डिस्कस करने वाले हैं ऑलराइट लेट्स बिगिन आल्सो विद दिस मैं आपको रोड मैप देने वाला हूँ फॉर द अपकमिंग ईयर दैट इज ट्वेंटी कि हाउ यू शुड बी प्रिपेयरिंग योर फॉर द सी सेट ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव चलो देखते हैं। यार पहला ये क्वेश्चन देखते हैं ये डिविजिबिलिटी रूल से बेस्ड क्वेश्चन है थर्टी टू टू पार फाइव प्लस टू टू पार ट्वेंटी सेवन आप देख सकते हो थर्टी टू और टू को आप थर्टी टू को आप टू के पार में कन्वर्ट कर सकते हो सिमिलर क्वेश्चन हमने डिस्कस करा है इन आर प्रैक्टिस सेशन वन जहाँ पे ट्वेंटी सेवन को आप थ्री के पार में कन्वर्ट कर सकते हो उसके बाद कॉमन लेके आप चेक कर सकते हो कि किससे डिविजिबल होगा तो टेन से डिविजिबल हो रहा है यहां पे भी ये टेन से डिविजिबल हो रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन इसका वीडियो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा एज प्रैक्टिस सेशन नंबर वन ऑल राइट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वी आर अ क्वेश्चन फ्रॉम फाइंडिंग द राइट मोस्ट डिजिट द दीरोज इन द वैल्यू ऑफ थर्टी टू दर्टी ये इस बार के पेपर में पूछा गया है और अब देखो बिल्कुल ऐसा सेम कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करा है व्हेन वी स्टार्टेड विद आर सी सेट लेक्चर विच वाज आर लेक्चर नंबर वन ऑन यूनिट डिजिट द राइट मोस्ट डिजिट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द वैल्यू फोर्टी टू दर वन फाइव थ्री वन आपको करना क्या है यहाँ पे बेसिकली आप देखते हो कि फोर्टी है आप इसको टेन वाले पार्ट को अलग कर दो दैट इज फोर इन अब जो भी पावर है आप उसे लिख दो यहाँ पर सेम हमने यहाँ पर भी करा थर्टी 30 और जो भी पावर है तो थर्टी को आपने लिख दिया थ्री इंटू टेन एंड वॉट एवर इज द पार अब आपको सिर्फ ये फिगर आउट करना है क्योंकि टेन की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये लास्ट में एस, इस तरीके से ऐड होने लग जाते हैं तो नॉन जीरो डिजिट निकालनी है आप देखो कि फोर पे पावर वन फाइव थ्री वन की वैल्यू क्या होने वाली है इन टर्म्स ऑफ लास्ट डिजिट तो आपको दिखता है इट वुड बी सिंपली फोर क्यूब और फोर पे तो आपको पता है ऑड और इवन वाला कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे फोर पे पावर वन फोर फोर पे पावर टू विच इज़ ईवन तो आ जाएगा सिक्सटीन फोर सिक्स फोर सिक्स फोर सिक्स ऐसे ही रिपीट होते हैं इसके पावर्स सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू थ्री पे पार पे है तो थ्री पे पार थर्टी की वैल्यू क्या होगी थ्री की साइक्लिसिटी होती है फोर की मतलब थ्री पे पार आप कुछ भी रख दो ये लास्ट के डिजिट्स इसके सिर्फ चार बार ही वेरी करते हैं एज थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन एटी वन अब जैसे मैं थ्री पे पार फाइव पे जाऊंगा फिर से लास्ट डिजिट थ्री आएगा थ्री पे पार सिक्स लास्ट डिजिट नाइन तो थ्री नाइन सेवन वन इस तरीके से वेरी करेगा आपको बताना है थ्री पे पार थर्टी क्या होगा थर्टी को आप देख सकते हो होज थ्री पे पार ट्वेंटी एट प्लस टू मतलब ट्वेंटी एट तक ये चार बारी हो गया फिर थ्री पे पार टू की वैल्यू क्या आती है दैट इज़ नाइन तो लास्ट डिजिट इसके लिए बन जाएगा नाइन इसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन है बट पूछने का तरीका अलग है ये भी हमने डिस्कस करा इसी लेक्चर में एज पार्ट ऑफ आर होमवर्क क्वेश्चन नंबर सेवन ये सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे लाइव अभी मिल जाएंगे चलो आगे बढ़ते हैं इसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो को भी अच्छे से टैकल करा है और कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो से इस साल भी एक सवाल आया है आगे आप देखोगे नेक्स्ट कंसिडर ये डिविजिबिलिटी रूल का बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पे आप देखो नंबर्स क्या थे टू 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 द्री थ्री थ्री प्लस थ्री 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 टू दार टू 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 अवाइडली आपको पता है ये सारे एंजल नंबर हैं और जो एंजल नंबर्स होते, है, होते हैं दैट इज़ इन द फॉर्म ट्रिपल आर ये हमेशा थर्टी सेवन से डिविजिबल होते हैं प्रैक्टिस सेशन नंबर फोर पे और डिविजिबिलिटी रूल वाले लेक्चर पे भी हमने इस पर बात करी है प्रैक्टिस सेशन जब मैं अभी करवा रहा था रिसेंट में तब भी मैंने आपको ऐसा सिमिलर क्वेश्चन देखो यहाँ पे एंजल नंबर लिख के मैंने डिस्कस करा है कि अगर कोई भी नंबर ट्रिपल आर के फॉर्म में है तो वो थर्टी सेवन से डिविजिबल है कोई नंबर अगर एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड है तो वो सेवन एलेवन थर्टीन प्लस सेवनटी सेवन नाइन्टी वन इन सब से डिविजल है रूल ऑफ थ्री सबसे ईजिएस्ट होता है कि सम ऑफ डिजिट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ थ्री तो टू प्लस टू प्लस टू इज सिक्स थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री इज़ नाइन तो ये थ्री और नाइन दोनों से थ्री से तो डिविजिबल होगा ही और क्लियरली दिख रहा है ये थर्टी सेवन से डिविजिबल है तो थ्री एंड थर्टी सेवन तो होंगे अब आपको पता है कि टू पे पावर कुछ भी आ जाए ये एक ईवेंट नंबर ही देगा और थ्री पे पावर जो होते हैं वो थ्री नाइन सेवन वन मतलब ये सारे ऑड नंबर्स होते हैं थ्री पे पावर आप कुछ भी रख दो यू वुड बी गेटिंग एन ऑड नंबर तो ईवन नंबर प्लस एन ऑड नंबर इज ऑलवेज अ ऑड नंबर तो कोई भी ऑड नंबर ये जो प्रोडक्ट वैल्यू बनेगी इसकी वो एक ऑड नंबर होगी क्योंकि वो ऑड नंबर है तो वो टू से कभी भी डिविजिबल नहीं होगी अब मैं अगर सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूँ तो भी विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन मैं इसको टैकल कर सकता हूँ पहले ऑप्शन में मैं मार्क नहीं करूँगा थर्ड भी नहीं करूँगा फोर्थ भी नहीं करूँगा क्लियरली मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से दैट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू उसके बेसिस पे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखा है लेक्चर नंबर टू ऑफ आर सीट कोर्स डिविजिबिलिटी रूल एक्सटेंसिवली वी हैव दिस क्वेश्चन चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम एच सी एफ एल सी एम पर हमारा लेक्चर नंबर थ्री था अब आप देखो ये बॉटलिंग वाले जो क्वेश्चन हैं जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज़ होते हैं वैसा सिमिलर क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करा है या नहीं ये आप देख लो खुद से आप चेक कर सकते हो इस पे हमने दो लेक्चर्स बनाए हैं एच सी पे और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं था आगे बढ़ते हैं क्लॉक विच वॉज कवर्ड एज लेक्चर नंबर 18 ऑफ आर सीट ट्वेंटी ट्वेंटी कोर्स वहां पे देखो क्लॉक से रिलेटेड इस साल कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूं तो मॉडरेट क्वेश्चन आए थे ठीक है एंगल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा ही नहीं जाता था क्लॉक पे बट इस साल एंगल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था चलो देखते हैं ये फैक्चुअल डेटा है जब मैं लेक्चर स्टार्ट कर तभी मैंने बताया था आपको और इस पार्ट को मैंने एक्सप्लेन भी करा था दैट इफ द हैंड्स ओवरलैप हैंड्स की बात कर रहा हूँ आवर हैंड एंड मिनट हैंड अगर वो हर घंटे एक बार ही ओवरलैप कर रहे हैं तो बारह घंटों में बारह टाइम्स करना चाहिए बट यहाँ पे इलेवन क्यों लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन दिया था यहाँ पर कि वेन वी टॉक अबाउट अ टाइम फ्रेम ऑफ इलेवन टू ट्वेल्व तो इस टाइम पे ये लोग एग्जैक्टली एट ट्वेल्व ओवरलैप करते हैं और जब मैं ट्वेल्व से वन की बात करूं तो वो ऑलरेडी ट्वेल्व पे ओवरलैप करेंगे तो ट्वेल्व से वन के बीच में ओवरलैप नहीं करेंगे इलेवन से ट्वेल्व के बीच में ओवरलैप नहीं करेंगे वो एग्जैक्टली एट ट्वेल्व ओवरलैप करेंगे देअर फोर इन अ टाइम फ्रेम ऑफ टू आवर्स एंड स्पेसिफिक दीज टू आवर्स ये एक बार ही ओवरलैप करेगा अदरवाइज टेन टू इलेवन ए एम वन टाइम इलेवन टू ट्वेल्व पी एम दैट इज वन टाइम एंड ट्वेल्व टू वन दैट इज इंक्लूडेड हियर अगेन एक बजे से दो बजे के बीच में फिर से एक बार ओवरलैप करेगा सो टोटल ऑफ थ्री टाइम्स कॉन्सेप्ट बता दिया था अगर आपने बस लेक्चर को अटेंड करा होता इनिशियली तो ये आप आराम से मार्क कर सकते थे चलो नेक्स्ट एंगल बेस्ड क्वेश्चन व्हाट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड वेन द टाइम शोज फोर ट्वेंटी फाइव देखो हमने यहाँ पे पाँच टाइम लेके सॉल्व करा है मैंने इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स दिए हैं आपको एक लॉजिकल मेथड है दूसरा फार्मूला बेस्ड है जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है आप उसको सॉल्व कर सकते हो और आई गेस ये आपने सॉल्व कर भी लिया होगा बिकॉज इस पर तो पाँच पाँच क्वेश्चन हमने करवाए थे आपको होमवर्क भी दिया था एंड हैव सीन मोस्ट ऑफ यू हैव कमेंटेड द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स विच इंडिकेट्स कि हाँ आपने ये वाला क्वेश्चन तो डेफिनेटली करेक्ट बनाया होगा चलो आगे बढ़ते हैं कैलेंडर कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन ये के टॉपिक्स में आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा लॉजिकल रीजनिंग प्लेलिस्ट सर्च करना आप वहाँ पे कैलेंडर का वीडियो मिलेगा और भी लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं वहां पे देखो सेम कैलेंडर के लिए रूल होता है फॉर नॉन लिपियस एडिशन ऑफ इलेवन और एक्सेप्शन होता है एडिशन ऑफ सिक्स एक्सेप्शन इसलिए बोल रहा हूं कि जब आपने इसमें इलेवन ऐड करा तो जो नेक्स्ट ईयर बना वो एक लीप ईयर बन गया अ नॉन लीप ईयर एंड अ लीप ईयर कैन नॉट हैव द सेम कैलेंडर क्यों क्योंकि यार बीच में फेब्रवरी आ रहा है फेब्ररी का एक एक्स्ट्रा दिन आ रहा है वो ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ फेब्ररी पूरे कैलेंडर को एक दिन आगे लेके चला जाएगा और वो भी बीच से तो सेम कैलेंडर कैसे होगा सेम कैलेंडर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहाँ पर आप एक्सेप्शन लगाओगे एक्सेप्शन सिक्स का है और इसका आंसर हो जाएगा टू जीरो थ्री वन तो कैलेंडर से ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है ओके okay, आगे बढ़ते हैं अल्फाबेट सीरीज जब मैं करवा रहा था मैंने बोला भी है आपको इससे इजीएस्ट कुछ भी नहीं है अल्फाबेट सीरीज से हर साल इससे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था 2023 में पूछा गया 22 में पूछा गया 21 में पूछा गया उससे पहले भी पूछा गया है इस लेक्चर में लेक्चर नंबर एट में हमने एक्सटेंसिवली इसको डिस्कस करा है प्लस प्रैक्टिस सेशन नंबर सेवन में भी हमने डिस्कस करा है ऐसा ही एक क्वेश्चन और अब देखो आपके पास जो क्वेश्चन आया था स्टेप्स आपको पता है कि कैसे सॉल्व करने हैं काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स उसके बाद उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करो और पैटर्न बनाने की कोशिश करो देख लो किस तरीके से पैटर्न बन रहा है आप विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन इन चीज़ों को और जल्दी सॉल्व कर सकते हो बट आइडियल तरीका ये कि काउंट द नंबर ऑफ़ टर्म्स इंक्लूडिंग द ब्रैकेट्स एंड डिवाइड दम इंटू ग्रुप्स जैसे यू कैन डिवाइड ग्रुप्स ऑफ फाइव और अगर फाइव में पैटर्न नहीं बन रहा है तो यू कैन डिवाइड ग्रुप्स ऑफ ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन एवरी ईयर इट इज बिंग रिपीटेड बोल बी रो और प्लेसमेंट सेक्टर में भी ये बहुत जगह पे पूछा जाता है इस टाइप ऑल्डो इस बार जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर दैट इज 2023 या फिर 2022 ट्वेंटी टू तो मैं बोल सकता हूं कि ये उनसे जरा मॉडरेट लेवल पे है मैं इसको इजी भी नहीं बोल रहा हूं बट मैं ये कह रहा हूं कि पिछले साल से अगर आप कंपेयर करो तो यह जरा सा मॉडरेट लेवल पे थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं राइट क्यों क्योंकि नंबर ऑफ टर्म सिर्फ ट्वेंटी है ट्वेंटी एक ऐसा नंबर है जो आप आइडियली लिख सकते हो इतना टाइम रहता है क्या आप एक बार सीक्वेंस पकड़ के आप जल्दी से ट्वेंटी एट टर्म तक लिख सकते हो वंस यू राइट दिस आपको पता है ये फॉर्मूला क्या है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स देख लो वन से लेके फाइव तो बन जाएगा फाइव इंटू सिक्स बाई टू फिफ्टीन वन से लेके सेवन तो सेवन इंटू एट बाई टू ट्वेंटी एट फिर देख लो ये वन से लेके सिक्स तो सिक्स इंटू सेवन बाई टू सेवन थ्री इजर ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन आइडली तो अगर ये एप्लीकेशन आपको क्लियर है प्लस हमने तो देखो अपने लेक्चर में थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चन ही कर लिए थे कि मान लो ये आपसे पूछ लेता वन ट्वेंटी एट टर्म्स तब मैनुअली लिख पाना मुश्किल है टाइम टेकिंग है बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग आइडियल तरीका भी नहीं है तब आप जैसे कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करते हो इस तरीके से आप सॉल्व करके उस पर जाते हैं इसमें जो मैंने अभी सॉल्व कर रखा है यहाँ पर जिसकी वीडियो डल चुकी है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एनालिसिस की अगर नहीं देखा आपने तो वो भी देख लेना वन वीडियो एट अ टाइम भी है स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आपको देखना है वो भी देख सकते हो अगर पूरा लेक्चर देखना है वो भी डली हुई है यूट्यूब पे आप देख सकते हो ओके okay, आगे बढ़ते हैं देखो टू डिजिट वाले जब से यू हैव अ टू डिजिट नंबर और आप इसको रिवर्स करते हो और इस पे बेस्ड फिर आपको एक टू डिजिट का ही नंबर मिलता है तो इससे बेस्ड जो क्वेश्चन था यू हैव अ टू डिजिट नंबर एंड देन यू रिवर्स इट एंड यू गेट अनदर टू डिजिट नंबर इनके बीच का जो रिलेशन वाला पार्ट है वो देखो हमने कितने अच्छे से डिस्कस करें लेक्चर नंबर सेवन और प्रैक्टिस सेशन सेवन कि अगर आप एक नंबर और उसके रिवर्स को ऐड करोगे हमेशा तो इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय इलेवन जो नंबर फॉर्म होगा इट विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ इलेवन अगर आपने डिफरेंस ले लिया इट विल ऑलवेज भी डिविजिबल बाई नाइन तो इन दोनों का बहुत बार ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन था यहाँ पे तो आई फील ये आपने अच्छे से कर लिया होगा एक देखो डेटा सफिशियंसी का भी क्वेश्चन हमने रखा इसी पे बेस्ड बेस्ड ऑन टू डिजिट नंबर और जब आप उसे रिवर्स करते हो तो क्या बन रहे हैं किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं और राइट सेम टू डिजिट वाले पे रिवर्स करने पे क्या बन रहा है डेटा सफिशियंसी का क्वेश्चन और आपसे पूछा भी गया डेटा सफिशियंसी का क्वेश्चन टू डिजिट के नंबर्स पे बेस्ड तो आप अगर नंबर फॉर्मेशन पे काम करते हो दैट इज़ आपने डिजिट्स को कॉज्यूम करा इस टी एन यू टी रिप्रेजेंट द डिजिट एट द टेंथ प्लेस यू रिप्रेजेंट द डिजिट एट द यूनिट प्लेस नंबर फॉर्मेशन होगा टेन इंटू टी प्लस वन इंटू यू रिवर्स हो जाएगा इसका टेन इंटू यू प्लस वन इंटू टी इस पे बेस्ड जो डेटा बोल रहा है आप वैसे प्रोसीड कर जाओ आपका बन जाएगा ऑल राइट लेट्स मूव फॉरवर्ड देखो ये क्यूब बेस्ड क्वेश्चन है और अगर मैं लास्ट से कंपेयर करूं तो मॉडरेट है पिछले साल दो क्वेश्चन थे इसके। तो जब मैं लेक्चर स्टार्ट कर तो ये लेक्चर आपको मिलेगा एज क्यूब्स एंड क्यूबोइड्स एज पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग प्लेलिस्ट वहां पर इनिशियली मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखो जब आप कट्स लगा हो ये थ्री 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 ये सारे कट्स के बाद हैं जैसे फोर 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 वाले अगर बन रहे हैं दैट इज सिक्सटी फोर क्यूब्स अगर बन रहे हैं विच ऑज आस्ट फोर इंटू फोर इंटू फोर इज सिक्सटी फोर तो आप देखो हर एक्सेस पे आपने कितने कट्स लगाए हैं एक कट दो कट तीन कट एक कट दो कट तीन कट फिर एक कट दो कट तीन कट ये हमने डिस्कस करा इनिशियली जब अपने लोग टॉपिक को स्टार्ट करते तभी मैं बताता हूँ कि देखो कैसे आपको कट करना है एंड विथ एवरी कट आपको नंबर ऑफ पीसेस कितने बनते हैं विद टू कट्स नंबर ऑफ पीसेस थ्री तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करते हो वॉट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कट्स सो थ्री कट्स ऑन टू द ईच एक्सेस दैट इज एन अ टोटल चलो आगे बढ़ते हैं इस बार हमने फैक्टर्स पे बहुत फोकस करा था बिकॉज आइडियली हमने नंबर सिस्टम पे ही पूरा फोकस करा था बिकॉज लास्ट ईयर भी काफ़ी क्वेश्चन थे और जो आपका नेक्स्ट ईयर होने वाला है ट्वेंटी इसमें भी नंबर सिस्टम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल सिंपल रीज़न बिंग कि अगर आप किसी भी साल का पेपर उठा लो फ्रॉम 2019 नाइन्टीन ऑनवर्ड से पहले भी जाओगे तो, तो अगर आपका नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बाकी के टॉपिक्स में भी आपको हेल्प कर रहा है और नंबर सिस्टम का वेटेज एवरी ईयर इज़ द मैक्सिमम तो ये एक ऐसा टॉपिक है क्योंकि इसमें इतने सारे सब टॉपिक्स हैं तो नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ यू हैव यूनिट डिजिट्स यू हैव डिजिलिटी रूल्स यू हैव एच सी एफ एल सी एम बेस्ड क्वेश्चन देन यू हैव क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टर्स देन यू हैव क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोज ट्रेलिंग जीरोज एंड फ्यू मिसलेनियस क्वेश्चन एज वेल तो ये कोर टॉपिक्स हैं नंबर सिस्टम के सब टॉपिक्स जिससे सवाल पूछे ही जाते हैं जैसे देखो इस साल हमने प्रैक्टिस सेशन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे थे जहां पे मैं आपको बता रहा था कि परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब का क्या रिलेशन है बेस्ड ऑन फैक्टर्स तो इसी पे हमने एक चीज और समझा था दैट वाज कि मैं अगर मैं वन की बात करूं अगर मैं सिक्सटी फोर की बात करूं अगर मैं सेवन ट्वेंटी नाइन की बात करूं, तो ये तीन नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स के साथ साथ परफेक्ट क्यूब भी हैं और आपसे ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अल्टीमेटली देखो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ ही गया आपसे ही हैज़ अ टोटल सेविंग विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज अ परफेक्ट क्यूब तो आप डायरेक्टली आपके दिमाग में चलेगा सिर्फ तीन ऐसे नंबर से फ्रॉम वन टू थाउजेंड तो आप बोलोगे वन सिक्सटी फोर और सेवन ट्वेंटी नाइन वन हो नहीं सकता सेवन ट्वेंटी नाइन बहुत बड़ा वैल्यू होगा तो सिक्सटी फोर ही होगा ये सिक्सटी फोर तक आपको कैलकुलेट करना है एंड विद बेसिक कैलकुलेशन बिकॉज ये ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं है सिर्फ आठ दिन की बात हो रही है तो आप इसे आराम से कैलकुलेट भी कर पाओगे मैनुअली लिख लिख के और राइट right? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस का जो कॉन्सेप्ट है जो कोर कॉन्सेप्ट है दैट इज ड्राॅइंग अ फोर्ड डायरेक्शन कॉम्पस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और उसके बाद बाई सेक्टिंग दम एंड गेटिंग नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट और इनके जो कोर फंडामेंटल्स हैं कि अगर पॉइंटिंग टूवर्ड्स राइट बोल रहा है राइट टर्न बोल रहा है तो राइट right टर्न का मतलब होता है नाइन्टी डिग्री का मूवमेंट क्लॉक वाइज कैसे मूव करना है एंटाई क्लॉक वाइज कैसे मूव करना है ये जो दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इन पे बेस्ड हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था तो उसी पे बेस्ड देखो इस बार दो दो क्वेश्चन हैं हर साल एक क्वेश्चन तो रहता ही है डायरेक्शन सेंस का चलो आगे बढ़ता हूँ कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड क्वेश्चन अगर आप इस क्वेश्चन की बात करो ए बी सी डी चार नंबर्स एल्फाबेट्स uh, को लिखा और ट्वेंटी फोर बन रहा है देन वी ई एफ जी एच और इनके लिए बन रहा है वन सिक्स एट जीरो एडिशन इज टेन बट टेन नहीं है यहां पे तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे कोई और अरिथमेटिक ऑपरेशन करा तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग एज पार्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन जब आप उनके कोड्स को लिख लेते हो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखा है और भी डिस्कस करा था एक्सटेंसिवली कोडिंग डिकोडिंग से क्योंकि हर साल इससे तीन क्वेश्चन दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन दो क्वेश्चन रहते ही हैं कोडिंग डिकोडिंग ऑल्दो इट मे सीम लाइक एन ईजियर टॉपिक इट इज़ एन ईजियर टॉपिक बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन क्योंकि देखो हर साल इससे क्वेश्चन है और सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है दो तीन दो तीन क्वेश्चन रहते ही हैं ये भी हमने डिस्कस करा था इन आर सी सेट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फोर्टीनथ नंबर लेक्चर चलो आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो जब मैंने ये एनालिसिस करा था ट्वेंटी ट्वेंटी के पेपर का तो भी मैंने इसको एक्सटेंसिवली डिस्कस करा था हाउ यू शुड लुक एट अ क्वेश्चन ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो अगर ये आपने देखा होगा तो इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी प्लस अगर आपने लेक्चर वन अटेंड करा है वहां पे भी हमने एक्सटेंसिवली डिस्कस करा कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो क्या होता है किस तरीके से इसके क्वेश्चन को करने हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो कहता है कि आपको सिर्फ फाइव और टू का पेयर देखना है दैट्स इट पेयर देखो और बताओ कि कितने पेयर्स हो रहे हैं उतने ही होंगे नंबर ऑफ जीरोस जीरो का मतलब है टेन टेन हमेशा बनता है फाइव और टू से एज अ पेयर तो आप नंबर ऑफ फाइव्स काउंट करोगे आपको मिलेगा टू हंड्रेड फाइव्स 200 इज द लार्जेस्ट वैल्यू नंबर ऑफ टूज तो 200 से भी ज्यादा है नंबर ऑफ टूज इज ग्रेटर देन 200 बट 5 की लिमिटेशन है अप टू तो 200 तो पेयर फॉर्मेशन कितने पेयर बनेंगे 5 और 2 के मैक्सिमम 200 आपसे पूछा भी है हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोस 200 इज द करेक्ट आंसर चलो आगे बढ़ते हैं नंबर सीरीज पे बेस्ड हमने ग्राफ से क्वेश्चन करे हैं जहां पे हमने लास्ट ईयर प्रीवाईक्यूज में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको बहुत अच्छे से डिस्कस करा है वहाँ पे मैंने बोला भी था आपको कि आप सबसे पहले एनालाइज़ करते हो कि ग्राफ कैसा है कि नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं गिर के ऊपर जा रहे हैं या फिर अप एंड डाउन अप एंड डाउन ऐसे फॉलो कर रहे हैं आपको दिख रहा है ये नंबर्स सारे अपवर्ड में हैं अपवर्ड का मतलब होता तो तो हो है या तो नंबर ऐड हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं तभी तो वो बढ़ेंगे राइट आपने क्या करना है कुछ नहीं समझ में आ रहा यू स्टार्ट बाई टेकिंग वन टायर डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है सिक्वेंस फिर से एक टायर डिफरेंस ले लो अब आपको एक सीक्वेंस दिख जाएगा जैसे यहाँ पे हमने करा है कि एट 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 का गैप आ रहा है यहाँ पर सिक्स सिक्स का गैप आ रहा है इसके हिसाब से आप बैकवर्ड ट्रेसिंग करोगे फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स तो आपके पास आंसर आ जाएगा एज वन फिफ्टी फाइव और यहाँ से आप बस प्रोसीड करके चेक कर लेते हो कि कंटिन्यूटी मेनटेन हो रही है या नहीं हो रही है सो दिस वॉज ऑल्सो एज पार्ट ऑफ आवर लेक्चर नंबर सेवन आई गेस ऑफ आर सी सेट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कोर्स सो दीज आर फ्यू क्वेश्चन दैट वी हैव टेकन एज कि हाँ देखो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसका बेनिफिट भी हुआ हमें और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के वजह से आई फील कि क्वेश्चन में थोड़ा सा बिकॉज एग्जाम प्रेशर है तो पेपर कैसा भी आए आपको डिफ़िकल्ट लगेगा ही एग्ज़ाम प्रेशर ऐसा ही होता है तो आपको ज़रा से इन चीज़ों से तो हेल्प बिल्कुल मिला ही होगा ओके okay, अब बात करते हैं कि 2024 का पेपर हो चुका है 2025 के लिए क्या करना है जो लोग अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं या जो रिपीट करने वाले हैं तो उनका क्या रहने वाला है कोर्स प्लान कैसे आप इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करोगे और क्या प्रिडिक्शंस हो सकती हैं फॉर द ईयर 2025, द रोड अहेड विच इज 2025. ट्वेंटी फाइव नंबर सिस्टम को तो छोड़ना नहीं है प्लीज अंडरस्टैंड दिस चाहे कुछ भी कैसा भी पेपर है जैसे इस बार मॉडर्न मैथ्स से सवाल नहीं थे मॉडर्न मैथ्स का मतलब है परमोटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी नॉट इवन क्वेश्चन फ्रॉम वर्स्ट केस सिनारियोज और पजल बेस्ड क्वेश्चन ये सारे जब मैं लिख रहा हूं तो दीज हैव नॉट बीन नास्ट बट नंबर सिस्टम तो पूछा गया ही है नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है जो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नंबर सिस्टम से सवाल नहीं हो तो नंबर सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा प्लस देर आर सर्टेन कोर अरिथमेटिक टॉपिक्स जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है बाकी चीज़ों को भी समझने के लिए इस बार अगर आप देखो तो परसेंटेज रेशियो एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस इन सब से क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस थे टाइम स्पीड डिस्टेंस का इस बार क्वेश्चन नहीं था बट ऑब्वियसली इट इज़ अ हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक तो जो कोर अरिथमेटिक टॉपिक्स हैं इनसे सवाल ज़रूर हो सकता है जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया सिंपल इंटरेस्ट हो गया राइट टीएसडी टीएसडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बोट्स एंड स्ट्रीम्स रेसेस एंड गेम्स ये सारी चीज़ें कोर रीजनिंग टॉपिक्स पे भी अपने को फोकस करना जितने रीजनिंग के मेन टॉपिक्स हैं मतलब आप ऐसा समझो कि इस बार का पेपर अगर मैं बात करूं तो आर सी वॉज अबिट डिफिकल्ट नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं ओवरऑल मैथ्स की बात करूं मैथ्स में मैं रख रहा हूं रीजनिंग प्लस दैट इज क्यू ए प्लस लॉजिकल रीजनिंग क्योंकि इस बार लॉजिकल रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए थे जो काफी ईजी रेंट पे थे बट डेटा सफिशियंसी काफी ट्रिकी आया था जैसा होता भी है हर बार तो मैं इसे मॉडरेट पेपर ही बोलूंगा मैं इसे ईजी नहीं बोलूंगा शायद बहुत लोग इसे ईजी पेपर बोल रहे हैं बट ये इजियर एंड पे नहीं है कि गलती होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे थे स्पेशली अगर आप डेटा सफिशंसी की बात करोगे इवन वी आर नॉट श्योर अबाउट कि व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर तो दिस फ्यू क्वेश्चंस वेयर ऑन द ट्रिकर एंड ठीक है तो आपको करना क्या है वट वी हैव डन इज डिजाइंड अ पर्टिकुलर कोर्स बेस्ड ऑन द करेंट सिनारी जैसे ऐसे चीज़ें चेंज हो रही है जैसे ऐसा जो रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलरली उसके बेसिस पे हमने कोर्स डिज़ाइन करा है जिसकी इनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है फॉर द अपकमिंग ईयर दैट इज 2025 अगर आपको प्रिपेयर करना है डेडिकेटेडली तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो सारे लेक्चर्स मैं ही लेने वाला हूँ जहाँ पे ये मिनिमम हंड्रेड आवर्स का लाइव लेक्चर रहने वाला है ऑन जूम प्लस रिकॉर्डिंग्स विल बी प्रोवाइडेड

एंड वी हैव वन मोर बैच दैट इज़ बाई लिंग्विल और जिससे आप इंग्लिश बैच भी बोल सकते हो ठीक है ये दो बैचेसमल्टियसली रन कर रही हैं ओके विद दिस ये सारी चीज़ों के साथ आपको वन ऑन वन मेंटोरशिप सेशन मिलते हैं मेरे साथ जहाँ पर मैं आपको गाइड करूँगा जैसे फोर मंथ्स का आपका कोर्स है वी स्टार्ट इन जुलाई फर्स्ट वीक ठीक है और ये अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड नवंबर से जुड़े रहोगे। Wherein be giving you task, और वो आपको आपको करना है, आपको मैं गाइड करते रहूंगा स्ट्रैटेजी चेंज करते रहूंगा अगर लगेगा तो इस तरीके से अपने लोग काम करेंगे और टाइम टू टाइम यहां पे मैं आपसे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाते रहूंगा लाइव ये मैं आफ्टर अक्टूबर की बात कर रहा हूं प्लस अक्टूबर में कैसे कोर्स को रन करना है जहाँ पे हमने 15 डाउट सेशंस एंड प्रैक्टिस सेशंस रखे हैं वो एक बार आप नज़र डाल लो वी स्टार्ट दिस कोर्स ऑन ट्वेंटी एथ विद ओरिएंटेशन सेशन देन ऑन थर्टी जून सेकेंड ऑफ जुलाई फोर्थ ऑफ जुलाई टॉपिक्स कौन से कवर होने वाले हैं किस टाइम पर कवर होंगे और इन्हीं पे बेस्ड जो डाउट सेशन और प्रैक्टिस सेशन रहेगा वो देख लो ये रहा सारी चीज़ों की डिटेल्ड मैंने डेट शीट प्रोवाइड कर दी है आपको सो दैट यू कैन प्लान योअर करिकुलम अकॉर्डिंगली देख सकते हो आप सारे टॉपिक्स हमने कवर करे ऑल्सो वी हैव कवर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हिर एक दो तीन लेक्चर्स रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के भी हैं तो इट्स अ कम्प्लीट पैकेज इफ यू टॉक अबाउट द सी सेट प्रिपरेशन इसके अलावा आपको प्रिपेयर नहीं करनी है वी वुड बी प्रोवाइडिंग यू विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो भी रिक्वायर्ड बुकलेट है वो सारी चीज़ों से हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे आपको इसके अलावा स्टडी मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है स्टडी मटेरियल्स वुड बी प्रोवाइडेड ऑल राइट अगेन वन मोर थिंग वी हैव पार्टनर्ड विद ग्रैडली दैट्स एन एडटेक प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो आप देख सकते हो ये रहा हमारा कोर्स आप लिंक के थ्रू जाते हो यू कैन एनरोल फ्रॉम यर ऑल्सो मैं क्यों एनरोलमेंट के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो द कोर्स इज प्राइस एट सेवन नाइन्टी नाइन बट अगर आप ग्रैडली के थ्रू ज्वाइन करते हो और आप एक कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा द कूपन कोड इज़ यू पी एस सी टेन अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हो ग्रेडली के थ्रू तो आप यहाँ से जाके एनरोलमेंट कर सकते हो देख सकते हो जो डिलीवरेबल्स हैं उस पर हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि क्या क्या मेरे इंड आपको डिलीवर होने वाला है तो जब भी आप यहाँ पे क्लिक करते हो एनरोलमेंट नाउ पे तो कुछ ऐसा डिटेल आपको मिलेगा जहाँ पे इट इज़ हाईली एडवाइजेबल आप करेक्ट ई फिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोड ऑफ कम्युनिकेशन ई के थ्रू भी रहेगा जहाँ पर मैं आपको स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करवाऊँगा ऑल्सो कूपन कोड जो आप वो यहाँ पे लगाओगे यू पी एस टेन और आप इनरोल कर लो क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है ये और राइट टेक केयर बाय बाय सी यू ऑल इन द अपकमिंग लेक्चर्स चलिए मिलते हैं टेक केयर एवरी वन हैप्पी लर्निंग